जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाम अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी इनको स्वरूप जान लागते भई जो भक्ति काय को नामाय स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुमई ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो दाहि जाते भय अरहंता विमहान मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय आचार्य कल्प पंडित फिरवर टोडरमल जी आज से लगभग 250 वर्ष पहले भारतवर्ष के राजस्थान प्रांत की जयपुर नगरी में हुए और उन्होंने एक बहुत अद्भुत क्रांतिकारी शास्त्र लिखा जिसे अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के से जानते। स्वाध्याय करने वालों के लिए ये अनिवार्य तत्व है, कंपलसरी है, क्योंकि इसके बिना शास्त्र किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए, वो बात ख्याल में नहीं आती। इसका वर्णन पंडित जी ने 7वें और 8वें अध्याय में किया है। मैंने तो मन बनाया था और बना अभी भी बना हुआ है एक मार्मिक विषय क्रिया परिणाम और अभिप्राय पर चर्चा करना है, लेकिन उसके पहले ये बालिकाओं को थोड़ा अभिप्राय की बात जब आएगी उसके पहले कल मैंने थोड़ा 3 अध्यायों का आपको संक्षिप्त में विषय वस्तु बताई थी। पहले अध्याय में मंगलाचरण है और शास्त्र लिखने का उद्देश्य है। दूसरे अध्याय में संसार के स्वरूप का वर्णन है, वास्तव में संसार किसे कहते अपन समझते हैं, ये स्त्री है, पुत्र है, मकान है, जमीन जायदाद है, तो हम संसार में हैं। ये संसार में नहीं है, ये तो अपने से बाहर की चीज है। वास्तव में अपने भीतर जो मोह राग द्वेष के भाव होते हैं, कषाय होती है, तृष्णा होती है, वो ही संसार। तीसरे अध्याय में संसार के दुखों का वर्णन किया है और अब जो मूल प्रयोजनभूत बात आती है कि ये जीव दुखी क्यों है और सुखी कैसे हो, इसके लिए 4वें से लेकर 7वें अध्याय तक मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का वर्णन है। थोड़ा आप लोगों को आइडिया लगे कि वास्तव में तो मिथ्यात्व शब्द है और मिथ्यात्व माने होता है मिथ्यापना, विपरीतता। अब वो विचारों में भी हो सकती है, आचरण में भी हो सकती है, मान्यता में भी हो सकती है, वाणी में भी हो सकती है,
है, कहीं भी हो सकती है विपरीतता और अनुकूलता। अपन कहते हैं भाई जिस मौसम में बरसात नहीं होना चाहिए उसमें बरसात हो रही है तो ये विपरीतता हो गई, जिसमें सर्दी पड़ना चाहिए तो नहीं पड़ रही है तो ये भी विपरीतता हो गई। तो जो चलती धारा से उल्टा अगर कोई काम होता है तो उसे अपन विपरीतता कहते। मोक्ष मार्ग के प्रकरण में तीन चीजें मेन हैं, श्रद्धा ज्ञान और आचरण। तो श्रद्धा ज्ञान और आचरण इन तीनों में विपरीतता होती है। इसको शास्त्रीय भाषा में एक शब्द में मिथ्यात्व कहा जाता है और मिथ्या दृष्टि या मिथ्यात्व को समझाने के लिए शास्त्रों में एक बहुत सुंदर और सटीक उदाहरण दिया जाता है। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भर मत वा। आप लोग चंडाला पढ़े हैं इससे मुझे अपना विषय समझाने में बहुत हेल्प मिलेगी। हैं, नशे में कोई व्यक्ति है तो हम उसके परिस्थितियों का विचार करें। नशे में है इसका क्या मतलब है? उसको होश नहीं है कि मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या करना है। और जब ज्यादा ही चढ़ जाए, तेज हो जाए तो नाली में गिर जाए, कहां पड़ा हूं, क्या कर रहा हूं, कुछ भी होश नहीं। तो जैसे लोक में नशा कारक वस्तुएं मुख्यतया शराब इत्यादि, वो आदमी को होश के बजाय समझ नशे में ला देती, बेहोश तो नहीं कह सकते लेकिन उसका होश उल्टा हो जाता है। बहुत से उदाहरण आते शराबियों के, ज्यादा यहां उदाहरण देके चुटकुले सुना के मैं आपका समय नहीं लेना चाहता, इन साहित्य में बहुत आते। दो शराबी होटल में गए तो एक गिलास रखा था तो एक बोला कि यार कैसा होटल है, हैं? इसके ऊपर तो मुंह बंद है, तो दूसरा बोला इसमें पेंदी नहीं है, नीचे से मुंह खुला है। तो होटल के बैरे वाले को बुलाया, बैरे को, उसने कहा गिलास उल्टा रखा है भाई साहब। यानी हर चीज उल्टी नजर आती। ये श्रद्धा ज्ञान और आचरण भी उल्टे हो जाते हैं तो इसको मिथ्यात्व तो बोला जाता है। अब आप जानते हैं ये कब से हुआ है ये मिथ्या दर्शन, कब से है? बड़ी विचित्र बात है कि जब से आत्मा है तब से ही मिथ्या दर्शन। आत्मा वस्तु यानी आत्मा माने अपन चेतन, ये तो दूसरी ढाल में आया ना, चेतन को है उपयोग रूप है। तो आत्मा यानी जो ज्ञान आनंद स्वभावी जानने देखने वाली वस्तु है वो अनादि काल से है, तो अनादि से उसकी अपने बारे में भूल भी अनादि काल से है। और मनुष्य गति में आके ऐसी बहुत सी बातें हो जाती हैं जो उस भूल को और ज्यादा सपोर्ट करती। तो जो अनादि काल से जो भूल है उसे शास्त्रीय भाषा में अग्रहित मिथ्यात्व कहते। अग्रहित माने ग्रहण नहीं किया, किसी ने सिखाया नहीं, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, वो तो समझ लो अनादि से ही, वो भूल अनादि काल से ही चल रही है। जैसे बच्चे को भूख लगे तो रोना कोई सिखाता नहीं, बोलो आप हैं? यहां तक कि बहुत छोटा शिशु हो बिल्कुल दो चार महीने का, जब से दूध पीना चालू करता है तो माँ तो केवल इतना काम करती है कि उसका मुख दूध की जगह पर लगा देती। बछड़े को तो वो भी खोजना पड़ता है, गाय के बछड़े को वो स्थान ढूंढना पड़ता है, उसमें गाय हेल्प नहीं करती। लेकिन माँ तो मनुष्य गति की है तो करुणावंत है तो वो बच्चे का मुंह स्तन से लगा देती। अब इसे कौन सिखाता है कि उससे दूध चूस करके अपना पेट भर लेना, ये आहार संज्ञा है, ये लेकर के जीव आता है। तो बहुत सी बातें हैं जो अनादि से आती हैं।
लेकिन जब थोड़ा बड़ा होता है तो बहुत सी बातें सिखानी भी पड़ती। रोना नहीं सिखाना पड़ता, लेकिन चलना तो उंगली पकड़ के चलना सिखानी पड़ता है। खाने पीने में भी ऐसे मत खाओ, ऐसे मत खाओ, ऐसा करो वैसा करो, ये सब बातें सिखानी पड़ती। तो बहुत सी चीजें बाई नेचर हम लेके आते, बहुत सी चीजें यहां सीखते। तो मिथ्यात में भी ऐसा ही है कि जो हम जो पर्याय मिलती है ना अपने दूसरी ढाला में, ढाल में मैं सुखी दुखी, मैं रंग चलाओ मेरे धन गए गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीय में सबल दीन बेरूप सुबक मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आप को नास। यानी शरीर मिला तो ये शरीर मैं हूं, स्त्री का शरीर है तो मैं स्त्री हूं, पुरुष का शरीर है तो मैं पुरुष हूं, माँ बाप ने मस्जिद में ले गए तो मैं मुसलमान हूं, मंदिर में ले आए तो मैं हिंदू हूं, जैन मंदिर में ले आए नमोकार मंत्र सिखा दिया तो मैं जैन हूं। मूल कारण तो यह है कि हम शरीर को ही मैं मानते, ये अग्रही मिथ्यात कहलाता है। इसको टोडर मैन ने बोला कुत्ते की पर्याय में ये आत्मा जाता है तो उसको कुत्ता शब्द समझ में नहीं आता है, उसके पास लैंग्वेज नहीं है आदमी वाली। लेकिन कुत्ते जैसा खाना, कुत्ते जैसा बोलना, कुत्ते जैसा दौड़ना, कुत्ते जैसी मनोवृत्तियां, तो उस पर्याय रूप ही अपने को अनुभव करता है। ये जो भी संयोग मिला शरीर का, उसमें अपने को वैसा मान लेना, इसे ही शास्त्रीय भाषा में अग्रहित मिथ्यात्व कहते। और मनुष्य गति में आकर के थोड़ा नई कमाई अपन करते हैं तो उस अग्रहित मिथ्यात्व को और ज्यादा पुष्ट करने के लिए कुछ नया मिथ्यात्व जोड़ लेते। जैसे पांच इंद्रिय के विषयों में सुख है, ये तो अनादि की अग्रही मिथ्यात वाली मान्यता है, लेकिन ये भोजन ऐसे बनाना चाहिए, इसको ऐसे खाना चाहिए, ये जितनी भी वो खाना खजाना वाले सीरियलों में आती थी ना पहले, अब आता कि नहीं आता, आती होंगी। अब तो आप यूट्यूब पे एक चीज की रेसिपी खोजो तो हजारों में दे देता है, बड़ा दानी आत्मा है वो भी। तो आपको कैसे बनाना ये चीज, बढ़िया से बढ़िया टेस्टी कैसे बनाना, कैसे खाना, इसमें मिला के खाना, इसमें मिला के खाना, ये सीखते हैं हम। लेकिन इससे मान्यता कौन सी पुष्ट हो रही है कि खाने में सुख है, पांच इंद्रिय के विषयों में सुख है। तो जो नया मिथ्यात्व तो सीखा जाता है उसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं गृहीत मिथ्यात्व। गृहीत माने नया ग्रहण किया हुआ, अग्रहीत माने जो सहज ही अनादि से चल रहा है। अब गृहीत मिथ्यात्व जो सिखाने में निमित्त बनते हैं, जो मिसगाइड करते हैं, उनको कहते हैं कुगुरु कुदेव कुधर्म। है चैडाला में इसकी चर्चा आई है, तथा तो बहुत लंबी है, आप बच्चों को आप प्रेरणा दीजिए, वो चैडाला में मेरे 65 लेक्चर हैं शायद, वो यूट्यूब पर हैं, मोक्षमा प्रकाशक के हैं, तो वो सप्ताह में एक दो चैडाला के जरूर सुने। उसमें कुगुरु किसे कहते हैं, कुदेव किसे कहते हैं। देखो कोई आदमी ओरिजिनल कुगुरु नहीं होता है, समझ में आया ना। हमें मान लीजिए अगर फिजिक्स में पीएचडी करना है तो जो फिजिक्स का गाइड है वो तो हमारे लिए गुरु है, और जो इंग्लिश का गाइड है वो हम कहेंगे साहब ये तो हमारे हमारे रिश्तेदार हैं इंग्लिश वाले, और ये फिजिक्स की पीएचडी करा देंगे तो वो इंग्लिश के लिए तो गुरु है लेकिन फिजिक्स के लिए कुगुरु है। अल्लाह हमें जो गुरु नहीं है उसे गुरु मान लिया, इस मान्यता का नाम कुगुरु है। ख्याल में आया ना। देखो छह डाला में क्या परिभाषा है, जो राग द्वेष मल कर मलिन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव तिन कीज शेर, सठ कर तिन तिन भव भ्रमण छेव। पढ़ा है नहीं। अब राग द्वेष मल कर मलिन, अब एक आदमी समझ लो पुलिस वाला है और उसके हाथ में गवर्नमेंट ने पिस्तौल भी दे रखी, तो उसके बनिता गदादि चिन्ह, बच्चों के साथ में पार्क में घूमने गया,
तो स्त्री भी है, पिस्तौल भी है, हथियार भी है, उसके राग द्वेष भी हैं, तो वो कुदेव हो गया। ये हमने मन में जो कल्पना कर रखी है, वो मूर्तियां हमने बाहर बिठा रखी हैं, वो हमारी कल्पना के बिंब है वो। इसलिए वास्तव में कुगुरु कुदेव बना हमारी कल्पना में होता है। ऐसे कुगुरु में भी लगा ले, कुगुरु माने ये किसी की निंदा नहीं है, जिससे हम मिसगाइड होते हैं वो कुगुरु कहलाता है, और जो सही रास्ते पे गाइड करता है वो सच्चा गुरु है। तो ये कुगुरु इत्यादि जो हैं, इनके माध्यम से हम नया नया मिथ्यात्व तो सीखते, ख्याल में आए। अब देखो पहले कौन सा छूटता है, गृहित छूटेगा कि अग्रहित छूटेगा, हैं? जो बाद में आता है वो पहले जाता है। ये कुदरत का ये सिस्टम है, जैसे ये समा है और इसमें मान लो जो पीछे आएगा वो पीछे, अगर चेयर खाली मिलेगी तो वहां बैठ जाएगा, और जब सबक छूटेगी तो पहले कौन निकलेगा? समझ में आए? ये दीवार जो बनी है, ये पहले ईंट के ऊपर ईंट रख के सीमेंट से जोड़ी गई, तो वो तो ओरिजिनल दीवार है। फिर उसके ऊपर सीमेंट का प्लास्टर चढ़ाया, तो वो उसको और मजबूती के लिए चढ़ाते हैं। अब दीवार तोड़ेंगे तो पहले क्या टूटेगा? जो ऊपर से जो प्लास्टर है वो। पंडित साहब रविंद्र जी तो एक बढ़िया उदाहरण देते हैं कि अपन ने इसके शर्ट के नीचे वो पहन रखी है गंजी बनियान, फिर ऊपर ये कुर्ता है, फिर एक जैकेट पहन लेंगे, और ठंड आएगी तो एक साल ओढ़ लेंगे या कोट पहन लेंगे। तो क्रम क्रम से एक एक कपड़ा पहनते हैं, जब उतारते हैं तो पहले क्या उतरेगा? जो पहले पहना है वो बाद में उतरेगा, और जो लास्ट में पहना है वो पहले उतरेगा। कितनी बातें हैं, हैं? हमारा शरीर हमें जन्म से मिलता है, और दांत बाद में आते हैं, बाल भी बाद में आते, कुछ लोगों के भाग्यशालियों के जन्म से ही आ जाते हैं, उसके बाद में आते। इसलिए मैं दांत का उदाहरण देता हूं, और जाने में पहले कौन जाता है? यानी सपोर्टिंग चीज पहले खत्म आना चाहिए। देखो इस बात को हमारे प्रधानमंत्री भी समझते, वो गृहित और अग्रहित मिथ्यात की भाषा नहीं जानते, लेकिन वो ये जानते हैं ये जो टेररिज्म है ये तो ओरिजिनल अग्रहित है। इनको जो हथियार मिलते हैं, इनको जो फंड मिलता है, इनको जो पैसा मिलता है, वो पहले बंद करो तो ये कमजोर पड़ेंगे, फिर इन्हें जीतना आसान हो जाए। कितना बढ़िया व्यवस्थित चिंतन है। तो जो अपने अनादि की भूल को जो फंडिंग कर रहा है, जो खुराक दे रहा है, ये गरीब मिथ्यात पहले दूर होना चाहिए। तो ये मैं थोड़ी चर्चा आपको गृहित और अग्रहित की बता रहा हूं। चौथे अध्याय में जो अनादि काल का मिथ्यात्व है उसका वर्णन है, कि मक्खी को, मच्छर को, एक इंद्री को, दो इंद्री को, तीन इंद्री को, सब, यानी जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक ये अग्रहित मिथ्यात कायम रहता है। अनादि से है, लेकिन जो जीव पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन कर लेंगे उनके लिए तो अंत हो जाएगा, लेकिन जो अभव्य हैं नहीं करेंगे उनका अनंत काल तक रहा आएगा, अनंत काल में घूमते रहेंगे, हैं? तो ये अनादि से है और सभी मिथ्या दृष्टियों में पाया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा ये मुनिव्रत धार अनंत मार, ये वाली बड़ी धार, मुनिव्रत धार अनंत बार गरीब को उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो ये कोई सच्चे अंतरंग के मुनि पने की बात नहीं है, ये तो बाहर में जिसने बाह्य मंद कषाय में वो व्रत ले लिए हैं, लेकिन मैं मुनि हो गया, मैं नग्न रहता हूं, मैंने परिग्रह छोड़ दिया, मैं तप करता हूं, ऐसी जिसकी अभी भी देह की क्रियाओं में एकत्व बुद्धि पड़ी, जब गृहस्थ अवस्था में था और जवान था
तो कोई ब्रह्मचारी ऐसे दुबला पतला पंडित आया, उसने कहा भाई मुझे बिना घी की रोटी चाहिए। अरे तुम नौजवान आदमी, तुमको तो और पूरण पुड़ी में और ऊपर से घी डाल के खाना पड़ेगा। हम जब तुम्हारी उम्र के थे तो इतना घी पचा लेते थे, इतना कर लेते थे। पहले खाने का अभिमान था, पचाने का अभिमान था, और अब मैं एक एक महीने के उपवास कर लेता हूं, अब नहीं खाने का अभिमान। यानी दुकान बदल गई, धंधा वही का वही रहा। समझ में आया? पहले गृहस्थी की दुकान पे बैठा था और अब त्याग की दुकान पे बैठ गया। एक स्लोगन आपने सुना होगा, ज्ञानी मान का त्याग करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञानी धर्मात्मा तत्वज्ञानी लोग मान का त्याग करते हैं और अज्ञानी त्याग का मान करते हैं। इतना फर्क है। तो कहने का आशय यह है कि वो जीव भी जो इतना मंद कषाई हो गया और तप करता है तो भी अंदर ये वासना चली है, मेरे इतने मकान थे, मेरे इतने बेटे थे, मेरे इतना धन संपत्ति थे, मैंने सब छोड़ दिया। पहले कमाने का अभिमान था, जोड़ने का अभिमान था, और अब छोड़ने का अभिमान हो गया। तो इस मान्यता को अग्रहित मिथ्यात कहते हैं। शरीर की क्रियाओं में, बाहर की क्रियाओं में एकत्र बुद्धि, ये सब चौथे अध्याय में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप बहुत डिटेल में बताया है। आप सबको पढ़ना चाहिए, बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा। हैं? इसने मोक्षमार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ा, उसने कुछ नहीं पढ़ा। समझ में आया ना? उसने स्वाध्याय में उसको कुछ नहीं मिलेगा अगर ये ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं किया। पांचवें अध्याय में बहुत संक्षेप में कहूंगा कि जो वस्तु स्वरूप के सिद्धांत हैं, छह द्रव्य सात तत्व के, नौ पदार्थों के, उससे विपरीत ईश्वर ने ये दुनिया बनाई। हम जब बचपन में बहुत छोटी उम्र में एक पिक्चर देखी थी, उसका नाम भी याद है मुझे, उसका नाम था कण कण में भगवान। पर उसमें एक बहुत बढ़िया गाना था, ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। और भी उसमें बहुत सारी लाइनें थी, मुझे तो एक आध याद रह गई कि उसकी मर्जी के बिना एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, गजब का ये जहान है, बिन खंभ का मकान है। ये आसमान है ना, ये पिलर है कोई जमीन से लेके आसमान तक, पर टूट गया तो, नीचे गिर गया तो नहीं गिरेगा, क्योंकि उसने जो सृष्टि बनाई है ना वो बहुत बुद्धिमान आदमी है, इसलिए उसने इतनी बढ़िया दुनिया बना दी और वो चला रहा है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, देखो ये जगत का मिथ्या कितना तीव्र है कि एक आदमी समझ लो आप तीर्थ यात्रा पे जा रहे, बहुत से ऐसे केस सुनने में आते और बस खाई में गिर गई। अब उसमें 5-10 आदमी मर गए, कल जो भूकंप आया पीओके में बहुत आदमी गए, 19 की रिपोर्ट आई, और एक आदमी घायल हो गए, उसके समझ लो 10 जगह फ्रैक्चर आ गए, तो भी वो बोलता है ऊपर वाले की बड़ी कृपा है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। क्या कृपा है भाई कि बच गए, कम से कम जान तो बची। मैं उससे बोलता हूं कि फ्रैक्चर आए हैं ये भी उसकी कृपा से आए हैं कि नहीं आए? अरे वो तो जैसे कर्म किए हैं वैसे भोगना पड़ेगा। बोला यानी जब कोई ठिकाना नहीं है कि पक्का मानो उस ऊपर वाले की कृपा मानो तो फिर 100% उसी की हुई है, और अगर कर्म के फल भोगना है तो 100% कर्म के फल पे जाओ। फिर ऊपर वाले को कल मैंने कहा था ना कि हम तुम्हारा दुख दूर करें और भगवान हमारा करें, तो हम बीच में क्या, हम क्यों पढ़े, तुम दोनों निपट लो। बच्चों आप लोग भी स्वतंत्र चिंतन करना जिनागम के आधार से, ये बहुत बड़ी बात है। ये केवल प्रवचन का मैटर है और हम आपको कोई अच्छी बातें बताने के लिए इतनी बात नहीं है, ये जन्म मरण का अभाव करने का महामंत्र है। अब ऐसे दुनिया बनाई है,
तो उसमें आतंकवादी क्यों बनाए, ऐसे लोग क्यों बनाए जो छोटी छोटी बच्चियों से भी दुराचार करते हैं, ऐसे पापी लोग क्यों बनाए, सबको उसी की मर्जी से होता है। तो ये परीक्षा ले रहा है, तो जरूरत क्या परीक्षा लेने की, उसके ज्ञान में तो सब है ना। ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो इन सब मिथ्या मान्यताओं का वर्णन पांचवें अध्याय में, छठवें अध्याय में और समझ लो क्राइटेरिया थोड़ा छोटा होता है, क्या बोलते हो, रेडियस और थोड़ा छोटा होता है। क्या जैन कुल में जन्मे तो भी अनंत देव निर्ग्रंथ गुरु और दयामयी धर्म या देव शास्त्र गुरु के अलावा जो उनके भक्त हैं, अपन उनके भक्त बन जाते। ये बात आप लोग अगर वो पढ़ते हो पंडित साहब रविंद्र जी की, पार्श्वनाथ भगवान की पूजा बहुत जोरदार है, उसकी जय माला में लिखा ये धर्मेंद्र पद्मावती ये आपके भक्त हैं, और आपके जो दूसरे भक्त हैं अगर उनका पुण्य का उदय होगा तो जो उनकी हेल्प भी करते, लेकिन ये आपके दास हैं और ये किसी से अपेक्षा नहीं करते कि कोई हमारी पूजा करे। अभी कुछ बरस पहले चाहे जब एक विवाद अपने भारतीय समाज में चला था, जैन समाज में नहीं हिंदू समाज में, कि साईं बाबा का नाम तो आपने सुना है, हमारे समझ लो देवलाली के पड़ोस में है वो शिरडी है ना, शिरडी है, तो उनके लिए सोने का सिंहासन बनाया, सोने का मुकुट बनाया, रोज लोग उनको भगवान मानने लगे। ऐसा चलता है दुनिया में, सब स्वतंत्र हैं। तो हिंदू समाज के ही कोई धर्माचार्यों ने ये कह के विरोध किया, भाई वो तो भगवान के भगत थे, आप भगत को भगत मानो ना, आप भगवान क्यों मान रहे। ऐसे हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी भगत थे कि भगवान थे, उनके हिसाब से, अपने हिसाब से तो वो सिद्ध भगवान बन गए। जैसे रामचंद्र जी आज जिस पोजीशन में है सिद्धालय में, वैसे हनुमान जी भी रावण के बेटे इंद्र जी, कुंभकर्ण है, राजा श्रेणिक के एक बेटे अभय कुमार, सुना होगा श्रेणिक चरित्र पढ़ा आप लोगों ने। तो ये हनुमान जी वगैरह सुग्रीव हैं जो भी हैं आज सिद्धालय में, हमें अपने हिसाब से बात नहीं करता, लेकिन जो दुनिया में कल्पना है तो वो तो अपने आप को प्रभु राम का भक्त कहते हैं और हमने भक्त को भगवान बना दिया, तो कहीं अपने यहां भी ऐसी गलती तो नहीं हो रही। समझ में आया ना, उसका वर्णन छठवें अधिकार में है। अभी सातवें अधिकार पे आते, सातवें में और रेडियस छोटा होता है कि जो जैन हैं और जैन शास्त्र पढ़ते हैं तो भी उनका मिथ्या दूर नहीं होता, बल्कि और अंदर में दृढ़ होता चला जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है, आपको मालूम जिनवाणी काय के लिए पढ़ी जाती, जिनवाणी पढ़ने का क्या लाभ होना चाहिए। बचपन से स्तुति बाल बोध में शायद आपने पढ़ी होगी, मिथ्या तब मैं नाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो आप पर भाष देखो बानों से बखानी है चाहो द्रव्य जान देखो बंद विधि बान देखो स्व पर पहचान देखो परम प्रमाणी है। हमको ये धुनी ही बड़ी पसंद थी बचपन से, जो खो लगा ना खो वो बुंदेलखंड का है, मिथ्या तम नाश देखो, मराठी में ट्रांसलेट करो तो कैसा बनेगा है, नाशवा साठी। समझना है, मिथ्यात्व का नाश करने के लिए और ज्ञान का प्रकाश करने के लिए ये जिनवाणी सूर्य के समान है। समझ में आया, लेकिन ये कैसी विचित्र बात है कि जिनवाणी पढ़े और मिथ्यात्व का नाश होने के बजाय और नया नया मिथ्यात्व खड़ा हो जाए। जैसे टोडर मलिंग का निश्चयाभास, समय सार पढ़ना तो इसलिए था कि वेद विज्ञान हो, समानुभूति प्रकट हो, पर की कर्ता बुद्धि मिटे, इसके लिए समय सार पढ़ना था। और वो समय सार आत्मा तो शुद्ध है, वो तो राग द्वेष करते ही नहीं है, पर्याय जो होना होगी सो होगी, मैं उसमें क्या करूं, ये तुझे पता है तू कौन है। मैं अपने को अभय कुमार मान के सारे प्रश्न करता हूं,
इसलिए किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। समझ में, ये बहुत मार्मिक बात। हम अपने को ये असमान जाति मनुष्य पर्याय वाला मान के पूछते हैं कि जो पर्याय जब होनी होगी तो होगी, तो हम क्या करें। तुम अपने को आत्मा मान के सोचोगे तो समाधान मिलेगा कि मैं तो आत्मा हूं ना, मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो चैतन्य हूं। ये सोच करके समझ लीजिए आप उस विषय को सोचोगे। तो ये सातवें अधिकार में शास्त्र पढ़ने पर भी उसकी सही ढंग से अगर वो व्यू नहीं समझा जाए, जो बच्चे आप व्यू बोलते हैं ना अंग्रेजी में, किसी ने मुझे मुझे नए किसे कहते हैं, मैंने पॉइंट ऑफ व्यू, उसका नाम नए है, नए शास्त्रीय भाषा है, किसी एंगल से देखना। एक फोटोग्राफर भी नए प्रयोग करके फोटो खींचते हैं, थोड़ा आप तिरछे हो जाइए, थोड़ा ऐसे हो जाइए, थोड़ा स्माइल कीजिए, थोड़ा वैसे कीजिए, ये 10 तरह के पोज बनवाते हैं। और ये आजकल जो शादी के पहले जो प्री वेडिंग के नाम से जो चला है, एक बड़ा जो खतरनाक जो प्रकरण है, मैं उस पर कमेंट्स नहीं करूंगा, वो काम हमारे दूसरे विद्वान लोग करते हैं। लेकिन अब वो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तो ये क्यों करते हैं कि इस एंगल से कैसा दिखता है, इस एंगल से कैसा दिखता है। हमें गुरुदेव का स्टेच्यू बनाना था सिद्धायतन के लिए, तो हमने उसको 10 फोटो भेजे कि ये वाला फेस अच्छा है, कि ये वाला फेस अच्छा है, कि ये वाला फेस अच्छा है, ऐसा। तो जगत में एक बात समझ लो, नयों की भाषा और परिभाषा वो तो शास्त्र के लोग जानते हैं, विद्वान लोग जानते, जनता नहीं जानती, जैनी भी नहीं जानते। समझ में आया ना। लेकिन हमारे ज्ञान में किसी एक पॉइंट से चीज को हाईलाइट करना, फोकस करना, और दूसरी चीज को थोड़ा गौण करना, इग्नोर करना। इग्नोर बोलते गौण के लिए सही शब्द है, गलत हो तो बता देना, मैं पकड़ा जाऊं फिर बाद में खतरा हो गया है। इसको इग्नोर करो और इस पर फोकस करो। ये कला तो हर कोई जानता है। मन में आज नेता लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब वो चुनाव जीतना है महाराष्ट्र के, तो 370 हटा दी, कश्मीर को अपना कर लिया, इसको फोकस करेंगे। और बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, समझ में आए, जनता कितनी परेशान है, ये भी तो एक फैक्टर है ना। प्रोडक्शन कम हो रहा है, सेल कम हो रहा है, इकोनॉमी डाउन हो रही है, इसको कुछ नहीं बोली। इतने चतुर है नए विवक्षा में कि जो अपना वीक पॉइंट है उसके बारे में मौन, उसको गौण करो, और जिस पे वोट मिलते हैं, कश्मीर का नाम लिया और 60,000 लोगों ने तालियां बजा दी। समझ में आया, आपने पढ़ सुना होगा ना, हाउडी वाउडी क्या क्या था वो प्रोग्राम है, बच्चों को नहीं मालूम होगा है। अमेरिका गए थे ना प्रधानमंत्री, तो ये लोग अच्छी तरह सारी दुनिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो गए, वो नए प्रयोग करते ही हैं। हैं? मैं तो एक उदाहरण दिया करता हूं कि पहले आपके यहां रिवाज है कि नहीं पता नहीं, शादी में दहेज बहेज आता कि नहीं आता, मांगते हैं कि नहीं मांगते, देते तो हैं, मांगो चाहे नहीं मांगो, लेकिन देना तो चाहिए। अरे अपनी बेटी है, उसका अपने धन में से भी, अपनी संपत्ति से, वही पहले दहेज के रूप में दे दिया जाता था, अब कानून में से पकड़ के, दहेज गैर कानूनी है, तो अभी बाप की संपत्ति में बेटे का हक है, तो बात तो वही रही ना, क्या फर्क पड़ गया उससे। पहले बड़े प्रेम से, लाड़ से, और बड़े उससे देते थे, और अब मजबूरी में, अपने तो भाइयों को बेच नहीं सकते, तो बहनों के भी साइन चाहिए सबके। खैर मैं दूसरी बात कहना चाहता, जहां दहेज का रिवाज था वहां ये उन्होंने कहा कि भाई आपको 50 तोला सोना और इतना कैश देना पड़ेगा। अब नई व्यवस्था देखो आप, अब सोना कैसे आएगा, बिस्कुट आएंगे, डली आएगी, क्या आएगा सोना, वो किसी न किसी गहने में ही तो आएगा ना। तो इनका ये 5 तोले का हार है, ये 10 तोले की 4 चूड़ियां है, ये फलाना है, ढिकाना है। तो लेडीज की दृष्टि पर्याय के ऊपर रहे, वो पर्याय नए से देखेंगे। मैं मिथ्या दृष्टि नहीं कहता हूं, खतरनाक है कहना।
लेकिन वो पर्याय की दृष्टि से देखेंगे, ये पुरानी डिजाइन है, ये तो ऐसा है, आजकल तो कितनी कितनी अच्छी डिजाइन के आते हैं, तो वो उसके आकार प्रकार को देखेंगे। और जेंट्स क्या देखेंगे, सोना पूरा है कि नहीं, अब वो चूड़ी है कि हार है कि कंगन है कि क्या है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं, जेंट्स को थोड़ी पहनना है। यानी लेडीज भी गलत नहीं, तो उसको तो पहनना है ना, चार जनों में दिखाना है उसको, इसलिए वो उस भी उसे देखते हैं। और जेंट्स को क्या मतलब है, घर में इतनी प्रॉपर्टी वो प्लस हो गई, उन्हें तो ये देखना है, इसलिए जेंट्स स्वर्ण को स्वर्ण दृष्टि से देखेंगे, वो भी एक व्यू है, और लेडीज उसके आकार प्रकार से देखेंगे, वो भी एक व्यू है। और हमसे पूछा जाएगा ये क्या है, तो हम कहेंगे सोने का हार है, तो हमने सोना भी ले लिया और हार भी, दोनों पे फोकस किया, इसको बोलते हैं प्रमाण वस्तु। समझ में आया ना, तो ये नए विवक्षा से न समझा जाए तो ये जिनवाणी का अमृत भी जहर जैसा बन जाए। संस्कृत में एक सूक्ति शायद आप लोग पढ़ते होंगे, हम तो पढ़ते थे कोर्स में थी, उपदेशो ही मूर्खाणा प्रको पाए न शांत, ये सुना है, है? देखो आप सुन लो, तो बोल लो जी सुना है, हम बोलेंगे कब सुना है, तो आप बोलो अभी अभी तो आपने बोला। समझ में आया, आपने सुना, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रको पाए न शांतये पयह पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। सांप को दूध पिलाने से वो पुष्ट नहीं होता बच्चे जैसा, बल्कि उसका जहर ही बढ़ता है। ऐसा क्यों होता, क्योंकि उसके भीतर जहर इतना पावरफुल रहता है, वो अनुभाग शक्ति उसकी ज्यादा रहती है रस की, कि वो दूध के परमाणु भी जहर रूप परिणमित हो जाते हैं। भैया ऐसे जिसके भीतर मिथ्यात्व तीव्र जहर भरा है, वो जिनवाणी का दूध पीता है। ये जिनवाणी क्या है, ये दूध के समान है, तो भी वो मिथ्या दर्शन के कारण जाके जहर बन जाती है। तो ये एक समझने की कला है कि जिनवाणी को इस कला से समझना। अभी जो मिथ्या दर्शन की चर्चा अपन ने की, वो कहां रहता है, कहां रहता माने हमारी एक्शन में रहता है, क्रिया में रहता है, कि अंदर राग द्वेष में रहता है, कि और भी कोई तीसरा पर्दा है। अब मैं वो मूल विषय पे आता हूं, क्रिया परिणाम और अभिप्राय। देखो मैंने 238 पेज खोला है, अभी तो आपके पास ग्रंथ नहीं है और यहां भी नहीं दिख रहा है, कई कई जगह तो वो सब व्यवस्था होती है, खैर। तो ये इसमें सातवें अधिकार का एक टॉपिक है, मैं इसकी पूर्व भूमिका नहीं बताऊंगा, केवल इतना कहूंगा सातवें अधिकार में चार तरह के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन, एक निश्चयाभासी, एक व्यवहाराभासी, एक उभयाभासी और एक सम्यक के सन्मुख। इनका अति संक्षेप में स्वरूप बताना चाहता हूं। इनसे केला होता है ना, केला तो उसमें कितने फैक्टर हैं, मेन दो हैं, एक ऊपर का कवर छिलका जिसको पैकिंग कहते हैं, और एक अंदर का माल मूल चीज जो खाने के काम में आती। दुनिया में हर चीज विथ पैकिंग होती, ये आत्मा भी अनादि काल से विथ पैकिंग। कितनी पैकिंग है आत्मा के साथ, कितनी पैकिंग है, तीन, कौन कौन सी, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो माल क्या है, ये तो पैकिंग, ये तो कवर है, ये हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या है, हैं? वो चेतना, चेतना लक्षण वाला अमूर्तिक तत्व, असंख्यात प्रदेशी, वो जो जिसको अपन आंखों से नहीं देख सकते लेकिन ज्ञान में अनुभव कर सकते, वो वास्तव में माल है। माल समझ, माल मूल चीज है, और बाकी पैकिंग। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैकिंग बिल्कुल फालतू, उसकी जरूरत ही नहीं है, तो मानो वो बाजार से केला खरीदेंगे, ऐसी मूर्ख तक कोई नहीं करता कि वहीं छिलका उतार दे, ये तो फालतू का बोझा क्यों ले जाना है। ऐसा होता है कि छिलका सही ही आएगा, लेकिन धर्म के मामले में
ये भक्ति है, दया है, दान है, स्वाध्याय है, संयम है, ये मोक्ष मार्ग की पैकिंग है। नहीं, हम क्या इसकी क्या जरूरत है, ये तो बंदे के कारण है, ये तो सुख राग है। अरे जो है सो है, लेकिन पैकिंग होती तो है ना भले आदमी। बात समझ में आई? पैकिंग का सर्वथा निषेध करना निश्चयाभास कहलाता है, ये फार्मूला। और बहुत से लोग अच्छी बढ़िया पैकिंग हो गए तो उस पर ही बीज जाते। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो अच्छे प्लास्टिक की बोतलें हैं, हम लोग जब अमेरिका जाते थे तो वहां जिनके यहाँ ठहरते थे वो दूध की बोतल लेके आते थे मॉल में से। अब वो बोतल भी इतना मजबूत प्लास्टिक रहता था, ऐसा लगता है कि लोग फेंक देते हैं, कितना अच्छा प्लास्टिक है, कितनी अच्छी मजबूत बोतल है, ऐसा लगता है कि दो चार दस अपन ले चले। पैकिंग पे ही खुश होने वाले जो पैकिंग पे लीजते हैं, पैकिंग को ही माल समझते हैं, उन्हें शास्त्रीय भाषा में व्यवहार आभास कहते हैं। भक्ति की बहुत अच्छा है, ये पूजा की विधान किया बढ़िया, लेकिन इसमें धर्म हो गया, समझ में आ गया ना, इससे हमें मोक्ष हो जाएगा, तो समझ लो वो पैकिंग कोई माल समझ नहीं है। माल तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे आत्मानुभूति वेद विज्ञान वो है, ये तो बाहर की चीजें तो पैकिंग है, लेकिन पैकिंग कोई माल समझ लेते। तो इस तरह से ये व्यवहाराभासी वाले प्रकरण में एक टॉपिक ये आया है। तो इसमें जैसे क्या होता है, वो नाटक का रंगमंच होता है ना स्टेज, तो एक तो समझ लो पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे के पीछे तैयारी चल रही, फिर वो पर्दा खुला तो वो नाटक का सीन दिखेगा, लेकिन वो भी एक पर्दे के सामने दिखेगा, उसके पीछे एक और पर्दा हो। कई पर्दे जो बड़े बड़े थिएटर होते हैं उनमें बहुत सारे पर्दे होते हैं, अपनी लाइफ में तीन पर्दे, ये समझ लो आप। कल मैं पूछूंगा पहले पर्दे का नाम क्या, दूसरे का क्या, तीसरे का क्या, आज नाम बताता हूं, कल से नंबर बोलूंगा, रोल नंबर बोलते ना है? पहला पर्दा माने क्रिया, क्रिया माने क्या, एक्शन। तो जो शरीर से हम जो कार्य करते हैं, यहां पर इस प्रसंग में जो अर्थ है प्रासंगिक अर्थ है, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, गाते हैं, समझ में आया ना, यानी शरीर की और वाणी की जो भी क्रियाएं होती हैं उन्हें इस प्रकरण में क्रिया शब्द से बोला जाएगा। वैसे तो क्रिया माने कोई भी पर्याय होती है इसको क्रिया ही बोलते हैं, लेकिन यहां वो अर्थ नहीं है, यहां तो शरीर बाह्य क्रिया है ना, बाह्य क्रिया, इसके पीछे वो क्रिया होती क्यों है, उसके पीछे हमारे भाव होते, परिणाम। परिणाम माने रिजल्ट नहीं, परीक्षा परिणाम ऐसा नहीं, यहां परिणाम माने अंदर के भाव। भूख लग रही है, भोजन की इच्छा है, वो हमारे परिणाम, हमारे हमारे अंदर हो रहा आत्मा में, और भोजन कर रहे हैं वो क्रिया है। समझ में आया ना, कल हम और डिटेल में चर्चा करेंगे क्रिया और परिणाम में क्या अंतर है, क्या नहीं है, क्या है। अपने वो कितने बजे शुरू किया था मुझे पता ही नहीं, चलो ठीक है 5 मिनट और है, 9 बजे तक लेना है ना। अरे हाँ कहो चाहे ना कहो, हम तो 9 बजे तक लेने वाले हैं, 9:10 8:10 पे चालू हुआ। अरे एक घंटे तो थोड़ा भारी पड़ो चलो ठीक है, अभी क्रिया और परिणाम ख्याल में आ गया। अब एक तीसरा पर्दा और होता है जिसका नाम है अभिप्राय। मैं 25 किताबें मराठी की लेके आया हूं, और उनको कैसे पात्र जीवों तक पहुंचाना वो आप लोगों की जिम्मेवारी। आपने देखी चंद्रकांत जी, आपने पढ़ी क्रिया परिणाम अभिप्राय, चंद्रकांत जी बैठे ना, क्रिया परिणाम अभिप्राय पुस्तक पढ़ी कि नहीं? अरे तो इनको देना, पहली पहली पुस्तक इनको देना, और वहां आप 2 ले जाना, एक मंदिर में भी रख देना जिंतूर में। जिंतूर है क्या है, हाँ ये आसपास कोई तीर्थ में जाते हैं तो वहां पहुंचाना चाहिए, हर मंदिर में रखना चाहिए। इसलिए मैं, हमारे पास केवल 50 पुस्तकें थी मराठी, तो हम 25 यहाँ लेके आए हैं,
अब जिसको आप उचित समझ, लाइब्रेरी में, इसमें, उसमें, मैं तो कहता हूँ ये बच्चों के कोर्स में लगानी चाहिए, 9th 10th में 11th में जो भी हो। खैर, तो कितने पर्दे हो गए? क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। क्रिया माने क्या? खाते हैं, पीते हैं, बोल, शरीर और वाणी की क्रिया को क्रिया कहते। और जो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, सुख होता है, दुख होता है, पुण्य पाप के भाव होते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं? परिणाम, यानी जीव के भाव। एक तीसरी चीज और होती है, जो जैसे झाड़ में नीचे उसकी जड़ होती है, जड़ को क्या बोलते, मूल, वो दिखती नहीं है लेकिन वो जमीन के अंदर होती, और पूरे झाड़ को उस मूल में से खुराक मिलती। आप पत्ते सींचोगे, पत्तों पे पानी डालोगे तो भी झाड़ सूख जाएगा, लेकिन जड़ में पानी डालोगे तो पूरा का पूरा वृक्ष जो है वो हरा भरा रहेगा। यानी जिस तरह पेड़ को जड़ में से खुराक मिलती है, खाद पानी वगैरह सब जड़ में डाले जाते हैं ना, ऐसे ही राग द्वेष के परिणामों को, और उपचार से कहो तो क्रिया को, वो अभिप्राय में से खुराक मिलती। ये अभिप्राय क्या होता है? वैसे तो क्रिया और परिणाम में अंतर बताने के बाद में अभिप्राय को मैं समझाता हूं, लेकिन अभी पहले से बता देता हूं। अभिप्राय माने होता है जो हम मानते हैं, मान्यता, श्रद्धान कहो, मान्यता कहो, प्रतीति कहो, उसका नाम अभिप्राय। इसको बहुत आसानी से समझ सकते। एक आदमी मान लो डॉक्टर है, तो वो अपने को क्या मानता है? तो मैं डॉक्टर हूं। मंगलायतन में अपने लोहारिया जी थे ना, तो जब हम लोग ज्ञान चक्र में घूमते थे, वो प्राय एक उदाहरण दिया करते थे कि आपको कौन से विचार आएंगे कि आप अपने आप को जो मानोगे वैसे विचार है। अब लेडीज अपने को महिला है, मैं माँ हूं, मैं पत्नी हूं, ऐसा मानेंगे तो सुबह से चाय बनाना है, बर्तन साफ करना है, टिफिन लगाना है, घर का काम करना है, या बाई आएगी तो उससे कराना है, क्या ऐसे ही विचार है। जो अपने को व्यापारी मानेगा, उसका कितना लेना है, कितना देना है, कौन सा काम करना है, तो नौकर आए कि नहीं आए, उसके ऐसे विचार है। पंडित को कैसे आएंगे? जो अपने को पंडित मानेगा, उसको कौन सा शास्त्र लिखना है कि पढ़ना है कि किस पे प्रवचन करना है। बहुत से लोगों को, मान लो कहीं गए, और हम सब लोगों को ये समस्या रहती, कौन सा विषय लेना है, कौन सी गाथा लेना है। पहले तो साफ प्लानिंग, लेसन प्लानिंग करके जाते थे, जब हमने शुरू किया था ये काम 1971 में, तो चिट्ठी में नोट्स बना करके कि ये उदाहरण देना है। लेकिन दुख की बात ये है कि जो लिख के जा रहे हैं वो बिल्कुल नहीं आ रहे, और जो सोचा नहीं हुए वो है। अब तो कम से कम इतने साल हुए, बाल उड़ गए सारे के सारे, समझ में आया ना? है तो काफी, हर पॉइंट जो है बहुत टू दी पॉइंट व्यवस्थित है, इसलिए अब कोई टेंशन नहीं होता। पर इतना भर चुनाव करना पड़ता है कि कौन से ग्रंथ में से कौन सा विषय लेना है, बस। बाकी अब कौन से तर्क देना है, अब जो हम प्रधानमंत्री टेररिज्म की जड़ खत्म करना चाहते हैं, ये हम सोच के थोड़ी आए थे, समझ में आए ना? ये गरीब मिथ्यात और अगरीब मिथ्यात में वो लगा कि वो बात होनी चाहिए, डबल काम हो गया, समझ में आया? खैर, तो वो डॉक्टर जो है अपने को डॉक्टर मानता है, कम मानता है। जब हॉस्पिटल में रहता है तभी डॉक्टर मानता है, कि अगर मंदिर में प्रवचन सुनने आवे तो भी वो मैं डॉक्टर हूं ऐसा मानता है कि नहीं मानता, बोले भले नहीं, समझ में आया ना? लेकिन हर व्यक्ति अपने आप के बारे में जैसी उसकी फीलिंग है, मान्यता है, वो अखंड चालू रहती, निरंतर सोते जागते उठते, वो क्लब में होवे, सिनेमा गया होवे, के मंदिर में होवे, के पूजा करता होवे, कुछ भी करे, कोई बोले डॉक्टर साहब, बोले हाँ,
सोते समय भी कोई आवाज लगावे, अरे डॉक्टर साहब कौन है भाई, इतनी रात को कौन आ गया, तो वो उस समय भी अपने को डॉक्टर मानता है। पक्की बात है ना, इसको कहते हैं अभिप्राय। ये जो मान्यता है ना, इसका नाम है अभिप्राय। अब मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पंडित हूं, मैं सेठ हूं, ये सब मान्यताएं क्या है, ये अभी मैं एक इंद्री हूं, शास्त्र पढ़ लिए तो हम पंचेंद्रीय हैं, हम मनुष्य हैं, ये सब क्या है, ये तीसरे पर्दे का पिक्चर है। तीसरे पर्दे की मान्यताएं हैं, ख्याल में आया। अब मैं एक बात और पूछना चाहता, मैं डॉक्टर हूं ऐसा मानने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, ये आपका प्रश्न, क्या पुरुषार्थ करें, बोलो आप, क्या 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 करना पड़ता है मुझे बता है, वो कहीं भूल ना जाए तो उसको जाप करना पड़ता है, ओम नीम नियम सार ग्रंथाय नमः, ओम नीम अस्या उषा नमः, ओम नीम अहम डॉक्टरो अस्मि, अहम डॉक्टर संस्कृत में तो यही बोलेंगे ना, ना अहम डॉक्टरो अस्मि, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर, क्या करना, पूजा करता है, विधान करता है, शिविर अटेंड करता है, योगा करता है। आप सोचो जरा, मानने के लिए सिवाय मानने के और कुछ नहीं करता, मान नहीं होता है, वो मानने की धारा निरंतर चलती है, इसमें ही उसका पावर यूज होता है, वो तो पावर का नाम पुरुषार्थ। समझ में आया ना, पुरुषार्थ कोई अलग से खड़ा नहीं दिखता है, हर काम में पुरुषार्थ, बल जिसको आजकल विल पावर कहते हैं, बल के प्रधानमंत्री इतने सक्सेस क्यों हो रहे, पॉलिसी गलत हो गए, डिसीजन गलत हो गए, लेकिन पावर बहुत है, एक तो जनता ने दे दिया। समझ में आया ना, उनको एक तो अग्रहीत पावर था, ओरिजिनल उनके नेचर में था, और दूसरे पब्लिक ने 320 सीटें दे दी, तो और करेला और नीम चढ़ा और डबल पावर हो गया। पावर का नाम पुरुषार्थ है, वास्तव में कोई भी काम करें उत्साह से करें, स्कूल जाएं तो उत्साह से, परीक्षा देवें तो उत्साह से, पूजा करें तो उत्साह से, अरे भोजन करें तो उत्साह से, हर काम में जो हमारा रुचि और उत्साह का परिणमन है उसको कहते हैं पुरुषार्थ। एक में समझ लो घटना ऐसी बनी हुई थी, मैं 17 साल जयपुर में मैनेजर रहा, 17 वर्ष है शास्त्री के बाद में उनने मुझे वही सर्विस दे दी, पढ़ाता भी था और ऑफिस भी देखता था, हर साल शिविर लगता था 15 दिन का, आप लोग भी आते होंगे कई लोग। तो एक बार एक पोस्ट कार्ड आया कि आपके यहाँ जयपुर में शिविर लग रहा है और हम चाहते हैं कि हम शिविर में आए, बताइए हमें क्या करना पड़ेगा। सच कहता हूं, मैंने उसको जवाब लिखा कि आपको जयपुर के शिविर में आने के लिए जयपुर ही आना पड़ेगा, अजमेर जाने से काम नहीं चलेगा, कोटा जाने से काम नहीं चलेगा, शिविर में आना है तो शिविर में आइए। अब इसके लिए क्या करना है, अब टिकट खरीदना है कि कौन सी ट्रेन में आना है वो तो आप देख लो, लेकिन टिकट खरीदने से शिविर में एंट्री नहीं हो जाएगी, शिविर में आने से शिविर में आना होगा। बड़े मार्मिक बात कहता हूं, जरा सावधानी से सुनना। वो चिट्ठी लिखने वाले का व्यू क्या था ये भी मैं जानता था, इसलिए पहले मैंने ये वाला जवाब दिया और बाद में उसको लिखा। वो ये सोचते थे कि कोई 100 रुपए भेज के, आजकल कहते ना भाई रजिस्ट्रेशन करी, पार्ला वालों ने सिस्टम निकाला, 500 रुपए लिए शायद, 1000 रुपए कितने, हाँ कि आप 1000 रुपए दे के रजिस्ट्रेशन कराइए तो हम आपके आवास की व्यवस्था करेंगे और आपका लिफाफा तैयार रहेगा, वे 1000 रुपए आपको जाते समय वापस लिए जाए। समझ में आया, रजिस्ट्रेशन करना, क्योंकि बिना सूचना के लोग आ गए, हमने 200 लोगों की तैयारी की है, 500 लोग आ गए, आटा भी खत्म, बेसन भी खत्म, चावल भी खत्म। तो क्या मैनेजमेंट के लिए जरूरी है ना, डाटा कलेक्शन तो जरूरी है ना, तो आपको सूचना देनी पड़ेगी बस। तो उनने सोचा कि कोई पैसे भेजने पड़ेंगे, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, आप अकेले आ रहे हो तो बिना सूचना के भी आ सकते, क्योंकि अकेले आदमी को रूम देते नहीं है,
उसके लिए हॉल बढ़िया है और बालकनी बढ़िया है, समझ में आया ना। और आप ग्रुप में आ रहे हैं तो आप बता दीजिए कितने लोग आ रहे हैं, हम उस हिसाब से प्लानिंग कर लेंगे। तो दो उत्तर हुए, एक तो शिविर में आने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, शिविर में ही आना है, आपके नाम लिखा देना, बस हो गया। अब मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञायक, देखो पहले तो ये बताओ, जैसे वो डॉक्टर के बारे में बोला कि आप बच्चियां हैं तो मैं लड़की हूं, ये मानने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हैं? कोई मेहनत करनी पड़ती तो भी मान्यता चालू रहती कि नहीं 24 घंटा। हर व्यक्ति मां है वो अपने को मां मानती है, बेटी है अपने को बेटी मानती है, जिसका जो, और ये तो एक रिश्ते का स्वरूप है, बाकी हर आदमी अपने को मनुष्य मान करके चलता है, स्त्री पुरुष मान के चलता है। वो मान्यता सहज पुरुषार्थ, इसका नाम बिना पुरुषार्थ के नहीं होती वो, लेकिन उस पुरुषार्थ के लिए हमें कोई प्लानिंग करना पड़े, पूजा पाठ करना पड़े कि व्रत उपवास करना पड़े, क्या करना पड़ता मुझे बता। मिश्री को मीठी करने के लिए क्या करना है, और मीठी है ऐसा जानने के लिए क्या करना है। मीठी तो स्वभाव से है और जानने में पुरुषार्थ है, सुनना जरा, मीठी तो स्वभाव से है और जानने में पुरुषार्थ है, लेकिन न तो उसे मीठी करने के लिए कोई मंत्र पढ़ना है और जानने के लिए भी कोई व्रत उपवास करके पता चल जाएगी कि मिश्री को एक यहां रखो फिर उसको अष्टक चढ़ाओ फिर पूजा करो तो पता चल जाएगा, जीभ पर रखना है। वो मीठी है इसका स्वाद जानने के लिए क्या करना है जयंत भाई, जीभ जिभ्या पर रखना है। ऐसे अपने को आत्मा होने के लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि आत्मा तो है, लेकिन आत्मा हूं ऐसा जानने के लिए जानना है, बस स्व सन्मुख होकर स्व संवेदन ज्ञान में जानना है, बाकी उसके लिए कोई पूजा पाठ, ये तो अपन पापों से बचने के लिए, अशुभ से बचने के लिए, उसके लिए कमजोर भूमिका में ये भाव आता है, तो चरणानुयोग की शैली में कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, समझ में आया ना। तो जानने के लिए जानना, अनुभव के लिए अनुभव करना, तो तीसरे पर्दे में जो चलता है कि मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं मैं सुखी दुखी मैं रंग राव मेरे रंग, ये सब अभिप्राय का चित्रण है। तो क्रिया परिणाम और अभिप्राय, ये जो क्रम रखा है ये तो क्रिया स्थूल है, ये विषय कर लूंगा, परिणाम थोड़ा सूक्ष्म है, अभिप्राय उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, समझ में आया। तो समझाने के लिए ये क्रम है, लेकिन मोक्ष मार्ग के में देखा जाए तो अभिप्राय पलटने से परिणाम भी स्वसन्मुख होते हैं, मर्यादा में आते हैं, और वैसी व्रत आदि की क्रिया भी सहज होती। ये विषय बहुत गंभीर है, कल से आप इसका मानस बना के आए। मेरे तो प्लानिंग 15 मिनट आपको, मैंने कुछ अच्छे अच्छे अकलंक देव के स्वरूप संबोधन है, और भी एक और है ना अकलंक देव की दो रचनाएं हैं, उसमें मैंने अनुवाद में लिखी है, 24 तीर्थंकर वंदना है, तो आप सबको उसका परिचय कराने के लिए मैंने ये प्रोग्राम रखा था। अब कल आप उसको पैन ड्राइव में ले लेना है, जो भी आपको करना हो वो करना। आप लास्ट में तो इसलिए नहीं संभव है कि सुनने से समझ लो क्षमता खत्म हो जाती है, बोलने से और सुनने से शुरुआत में माहौल बनता है, थोड़ा अच्छा रहता है, तो आप ऐसा करना। तो आपको उसकी भी 25-25 पुस्तकें लाया हूं, तो वो भी आप यहाँ उपयोग करें। अभी यही विराम लेते हैं।